जय हिंद साथियों, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान अनुज की श्रीनगर में सरकारी आवास के छत से गिरने से मृत्यु हो गई। जवान की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। अनुज सहानापुर जनपद के फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव रामखेंडी के रहने वाले थे। पोस्टमार्टम के बाद जवान का पार्थिव शरीर देर रात तक गाँव पहुँचने की उम्मीद है। छोटमंडलपुर क्षेत्र के गाँव रामखेंडी निवासी अनुज 32 वर्षीय पुत्र करणपाल सिंह सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में तैनात थे। उनकी तैनाती नेपाल बॉर्डर पर सीतामंडी बिहार में थी। छोटे भाई आरआरएफ के जवान अजय कुमार ने बताया कि 10 दिन पहले ही उनकी कंपनी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भेजी गई थी। मंगलवार रात 12 बजे उन्हें पुलिस के माध्यम से अनुज की मौत की सूचना मिली। बताया गया कि अनुज रात 10 बजे किसी काम से छत पर गए थे और नीचे गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। जवान की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा है। पत्नी शिखा का रो रोकर बुरा हाल है, जिसने भी सुना हुआ अनुज के घर की तरफ दौड़ पड़ा। अनुज अपने पीछे पत्नी शिखा, 5 साल की बेटी और 2.5 साल का बेटे को रोता बिलखता छोड़ गए हैं। उनके पिता फायर ब्रिगेडर में ASI थे। सेवानियुक्त के बाद पिता का 2 साल पूर्व निधन हो गया था। छोटे भाई अजय ने बताया कि अनुज का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद फ्लाइट से दिल्ली पहुंचेगा। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल के जवान का पार्थिव शरीर को लेकर देर रात तक गांव पहुंचने की उम्मीद है। अनुज को भतीजे की सगाई के लिए 5 दिन बाद ही छुट्टी पर घर आना था। यह जानकर परिजन खुश थे। हादसे के कुछ देर पहले ही उसने वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी और बच्चों से बात की थी। उस समय वह बेहद खुश नजर आ रहा था। अनुज 2 माह पूर्व ही घर से छुट्टी काटकर सीतामंडी बिहार गए थे। अगले महीने 9 अक्टूबर को उनके भतीजे की सगाई थी, इसमें उनको आना था। इसके लिए उन्होंने छुट्टी का आवेदन रखा था। भाई अजय ने बताया कि उनकी मंगलवार शाम को ही 7 बजे से फोन पर काफी देर तक बात हुई थी। उन्होंने बताया कि छुट्टी मंजूर होने पर वह 20 या 26 सितम्बर को गाँव आएंगे। आरआरएफ के जवान अजय का भी फिलहाल मेगा गुलाल में ड्यूटी लगी हुई है। ऐसे में यह सोचकर खुश थे कि एक बहाने कुछ समय के लिए हम दोनों मिलेंगे। मृतक की पत्नी शिखा ने तो हादसे से कुछ देर पहले ही पति से वीडियो कॉल पर बात की थी। बताया कि उस वक्त अनुज बेहद खुश था। उस वक्त किसी को भी आभास नहीं था कि यह अनुज की आखिरी बात होगी। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर बलिदानी अनुज जी की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।